काफी अच्छा अनुभव इनको, कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। चित्तर सिंह जी, ये और देखते हैं नहीं, मैं समझ गया। ये देखिए चित्तर सिंह ने सीधा जाके प्लेट पे मारा स्कोर के साथ, अपनी हाइट को डाउन करते हुए अपने आप को फाइनल अप्रोच में ला चुके हैं। पंपिंग करते हुए तरीके से, और ये प्लेट मोहित जी ने भी प्लेट कितना मारा इसने, नेक्स्ट पायलट सुशांत ठाकुर, बहुत ही अनुभवी पायलट और काफी प्रतियोगिता में चैंपियन बने पायलट। आपके सामने मैं कमेंट्री नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा एकाग्रता की जरूरत है पायलट्स को। ओ हार्ड लक, पर बहुत अच्छा कंट्रोल तरीके से कम करते हुए ग्लाइड के द्वारा, किसी प्रकार का कोई मैन्यूअर नहीं, बहुत अच्छा स्किल्स। और फाइनल अप्रोच के लिए अभी तैयारियां करते हुए और ये लेफ्ट टर्न बहुत ही इजी तरीके से आते हुए, वेरी गुड गुड। सर्कल के अंदर लेकिन प्लेट से काफी दूर, वह भी पायलट है। काफी अच्छी ग्लाइड करते हैं, लिफ्ट मिल रही है। हेलो हेलो, काफी अच्छा अनुभव है इन्हें, स्पॉट लैंडिंग का काफी कंपटीशन कर चुके हैं और ये फाइनल अप्रोच पर बुला रहे एक शॉट, फिर पीछे उतर गया। ओ सडनली हवा लग रही है, तो हार्ड लक सिस्टम पहले काफी स्ट्रगल किया क्योंकि पीछे जो लिफ्ट था थर्मिक लिफ्ट है और जिस अप्रोच से गया, क्योंकि पायलट जब हवा में होते हैं वो आगे वाले पायलट का पूरा देखते हैं किस तरह से लैंड हो रहा है और अपने लिए आइडिया ले लेते हैं। तो अभी चित्त भाई को इन्होंने अच्छी तरह से देखा होगा तो पीछे ही प्लान बना रहे हैं किस तरह का दृश्य रहता है। अभी अपने आप को हाइट को कम करार का कोई मैन्यूवर नहीं, किसी प्रकार का हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं, बहुत ही बढ़िया इनका अनुभव भी।
फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो है, ये 16 तारीख को शुरू हुआ और ये कल इसका कंक्लूडिंग सेरेमनी है और इसमें 40 से ज्यादा प्रतियोगी जो पायलट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे करीबन 40 जो स्टॉल्स लगे हैं वो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कैटर करते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म को, तो ये सब इसमें प्रतिभागी हैं और आज इसका तीसरा दिन है एंड चैंपियनशिप इज स्टिल ऑन, तो बस आई थिंक कल इसका रिजल्ट क्लियर होगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आपने रखा किस तरह? बस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बस कल होगा, कल कंक्लूडिंग सेशन होगा, नरेश चौहान जी वो प्राइस वितरण करेंगे। बिल्कुल जी, मतलब देखो बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है अरुण जी ने और पूरे जो यहाँ देख रहा हूँ मैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सो अलग अलग स्किल को डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भी एक ही मतलब एक प्रयास है कि भी अलग अलग स्किल डेवलप करिए। सो इनमें से एक मैं बताऊंगा कि अरुण जी मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं दूसरा में बताना चाहता हूं कि इतना अच्छा इवेंट, इतना अच्छा एक सोच रखी है हिमाचल के प्रति ताकि यहां पर टूरिस्ट हमारे डेवलप हुए और टूरिस्ट आए, सारा जो बर्डन शिमला में पड़ता है ताकि उससे डिस्प्यूट हुए। मतलब आप देखिए जब गर्मी पे इतना टूरिस्ट होता है तो बोलते हैं कि भी बड़ा एक डेंजरस जोन बन जाती है शिमला। सो अगर अलग अलग जगह पे ऐसी टूरिस्ट प्लेस डेवलप होती है तो उससे क्या कि जो एरिया भी डेवलप होएगा, रेवेन्यू भी आएगा और जो जितने छोटे छोटे जो एक ये मतलब एक गांव वाले बोल सकते हैं मतलब है ना, ताकि ये और डेवलप हुए। सो मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब मैं हिमाचल के नाते में यहाँ से मैं जब भी आप मेरे को बुलाएंगे और मैं आऊँगा और मैं पूरी सपोर्ट करूँगा जितनी मेरे से होएंगी ताकि हमारा हिमाचल और डेवलप होए। जो लोग टूरिस्ट कहीं और जगह डिवाइड होते हैं, कहीं कश्मीर जाते हैं ताकि कश्मीर के बदले अपने हिमाचल पे आए और जो भी रेवेन्यू है हमारे हिमाचल पे आए। बिल्कुल हिमाचल में बनाएंगे, मतलब उसका हम देख रहे हैं कि एक जगह मिल जाए तो ताकि हम वहाँ पर एकेडमी बनाएंगे। मतलब नहीं, अभी मेरी कोई सरकार से ऐसी बात नहीं हुई है और मैं खुद ही मतलब सरकार से कि ये नहीं सोचता कि मैं सरकार कोई प्रोवाइड करेंगे, मैं खुद कई जगह देख रहा हूँ कुछ जहाँ अच्छी जगह होएंगी ताकि जो पूरा हिमाचल के लिए सेंटर बढ़ेगा, सब लोग आ सके और बाहर से जो आउट ऑफ स्टेट से है ताकि वहाँ मतलब आ सके, उसी एकेडमी को ज्वाइन कर सके, सब लोग फायदा उठा सके। बिल्कुल मैं सभी को बताना चाहूँगा कि भी नशे से दूर रहिए, नशा बिल्कुल यूज नहीं करिए। नशे से आपकी लाइफ तो खराब होती है लेकिन आप नशा करते हैं तो आपका जो पूरे परिवार का है उनकी लाइफ भी खराब होती है, कि आप देखते हो कि अगर आप
आपके घर में कोई नशा करता है तो सारा एक एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। सो मैं उनसे मैं सभी युवा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप प्लीज़ मतलब आप नशा ना करें, अगर नशा करना है तो आप स्पोर्ट्स का नशा करिए और एजुकेशन का नशा करिए जो कभी उतरेगा नहीं और आपके हमेशा ये काम आएगा। सो नशे से बिल्कुल दूर रहना है बच्चों और माता पिता का कहना मानना है और अपने में जो माता पिता का नाम रोशन करना है। नमस्कार जी, मेरा नाम गिमनर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान की टीम की ओर से हम इस शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में यहाँ पे आए हैं। जी कितना किस तरह से जी मैं धन्यवादी हूँ शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, जो लगातार निरंतर दूसरे वर्ष इस फेस्टिवल को कायम रख रही है और जारी कर रही है। तो बहुत मज़ेदार, आप देख सकते हैं जुंगा की वादियों में ये मानव परिंदे आज उड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी फील के साथ बहुत अच्छा एयर शो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी सर, ये काफ़ी हाइट से ये टेक ऑफ लिया जा रहा है और ये जुंगा लैंडिंग हाइट में तकरीबन 5 मिनट की ये फ्लाई है टॉप टू बॉटम और जिसमें एक्यूरेसी कंपटीशन में हमें एक चिन्हित स्थान पे उतरना होता है, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है, काफ़ी नया और रोमांच भरा। जी बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निर्देशन से हमारे डायरेक्टरेट के माध्यम से ये हमारी टीम यहाँ पे आई हुई है और निरंतर कई अन्य प्रोग्राम्स में भी हमारी टीम खेलती है। और मैं बीड बिलिंग्स हूँ, आपको बताओ बीड बिलिंग एशिया का नंबर वन ब्रांड स्पोर्ट है, तो कांगड़ा में है। सो यहाँ पे शिमला में लास्ट ईयर भी मैं आया था, इस साल भी आया हूँ, काफ़ी बढ़िया है। लास्ट ईयर थोड़ा सा भी गश्ती था बट इस बार कंडीशन बढ़िया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जो भी ऑर्गेनाइजर वगैरह काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, डेली रात को बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम हो रहे हैं, खाने का बढ़िया मजा और फ्लाई करने का भी काफी मजा आ रहा है। सर टू बी ऑनेस्टली मैं प्रोफेशनली जो पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ वो 2018 से कर रहा हूँ, बट मैंने ये स्टार्ट किया था 2012 में। सो उसके बाद मैंने 3-4 साल का स्टडी वगैरह किया, देन प्रोफेशनली मैं 2018 में से आया हूँ और 2 साल अभी एक्यूरेसी के लिए कंपटीशन चला हुआ है।